गुजरात से भावनगर में सैलाब में फंसी बस, तमिलनाडु से श्रद्धालुओं को ला रही थी बस, 55 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बस में सवार लोगों को ट्रक में पहुंचाया गया, बाद में ट्रक भी बाढ़ के पानी में फंस गया है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रही है, बस कैसे सैलाब में फंसी हुई है इसके बारे में जानकारी मिल रही है। भावनगर का ये वीडियो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है 55 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तमिलनाडु से श्रद्धालुओं को ये बस लेकर आ रही थी। ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, ये बस जिसमें यात्री फंसे हुए हैं, 55 लोगों का तो रेस्क्यू कर लिया गया है। गुजरात के भावनगर का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए पानी के बीचों बीच ये बस कैसे फंस गई है, सैलाब में फंसा एक बस, और ये बस तमिलनाडु से आ रही थी, श्रद्धालुओं को लेकर के ये बस आ रही थी। गुजरात के भावनगर में सैलाब में ये बस फंस गई है। ये तस्वीरें जो है वो बेहद चौंकाने वाली हैं, डराने वाली हैं। इसमें यात्री देखिए बैठे हुए हैं, श्रद्धालुओं की आवाज़ भी सुनी जा सकती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जानकारी जो मिल रही है कि 55 लोगों को बचा लिया गया है, उनका रेस्क्यू किया गया है। बस में सवार लोगों को ट्रक में पहुंचाया गया है, बाद में ट्रक भी बाढ़ के पानी में फंस गया। ये देखिए एक ट्रक जो कि रेस्क्यू के लिए बुलाया गया था वो भी फंस गया कैसे, सैलाब के बीच में। इसका मतलब ये कि पानी का बहाव बहुत तेज था। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो कि लेबनान से है। बड़ी खबर आप देखिए, आधी रात लेबनान के हमले पर आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है, हरमेल में यह हमला हुआ है। ये देखिए हमले के बाद हरमेल के इलाके में जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। इसराइल बॉर्डर से 140 किलोमीटर दूर है हरमेल, जहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत पर फिर से बड़ा हमला हुआ है। बेरूत के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी, आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने किया स्ट्राइक। हमले में हिजबुल्ला के एरियल फोर्स के चीफ को टारगेट किया गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि हमले में हिजबुल्ला के एरियल फोर्स के चीफ को टारगेट किया गया था, और उसके बाद देखिए इस धमाके के बाद कैसे चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। और देखिए अगली खबर का रुख करें, ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने भी पलटवार किया है। तेल अफीफ पर हूती का मिसाइल से हमला हुआ, यमन की तरफ से तेल अफीफ पर यह हमला हुआ। हमले के बाद तेल अफीफ में सायरन की आवाज गूंजी है। तेल अफीफ में मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर पलटवार किया। हिजबुल्ला ने पलटवार का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में मिसाइल और रॉकेट से हमले रिकॉर्ड हुए हैं। देखिए धमाके के बाद कैसे आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, जोरदार विस्फोट ये हुआ है। और कहा जा रहा है कि अब हिजबुल्ला के खात्मे को लेकर के पूरी तैयारी हो रही है, आईडीएफ दिनों दिन हमले तेज कर रहा है। तो लेबनान का हाल भी गाजा जैसा होता जा रहा है, ऐसा हम आखिर क्यों बोल रहे हैं? या आप जरा तीन वीडियोस के जरिए समझिए जो आपके सामने हम रख रहे हैं। ये तीनों वीडियो आपके सामने, हरमेल पर हवाई हमला किया गया, ये देखिए आप, इसराइल से 140 किलोमीटर दूर है लेबनान में, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। इसके अलावा लेबनान की राजधानी बेरूत का हश्र आप देखिए, बेरूत पर एक बार फिर से रिहायशी इलाके पर हवाई हमला किया गया, स्ट्राइक की गई, किस तरह से लोग जान बचाकर भाग रहे, सब कुछ धुआं धुआं हो गया, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा
अलावा हिजबुल्ला का जो पलटवार है वो भी आप देखिए, हिजबुल्ला थकने को तैयार नहीं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। हिजबुल्ला भी लगातार इसराइल पर बड़े हमले को अंजाम दे रहा है, यानी ये साफ नजर आ रहा है जो हश्र गाजा में हुआ वही हश्र अब हिजबुल्ला का भी होता हुआ नजर आ रहा है। इधर आइए, इस हमले में अपडेट क्या है यह आपको बता देते हैं फटाफट। अब देखिए आईडीएफ का ऑपरेशन लेबनान के अभी तक हिजबुल्ला के 60 ठिकाने तबाह हुए, अभी तक 650 से ज्यादा लोग मारे गए, 2500 से ज्यादा बमबारी में घायल हुए हैं, 2000 से ज्यादा टारगेट पर बमबारी की गई है इसराइल की तरफ से, 16,700 करोड़ की मिसाइलें बरसा दी गई है। सुमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि क्या जो हश्र गाजा का हुआ वही हश्र लेबनान का होने वाला है, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्या ये उस तरफ संकेत कर रहा है? देखिए बिल्कुल संकेत तो यही कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री ने कल ये ऑर्डर दिए हैं कि एडिशनल फोर्सेस को और मूव किया जाए। मैं आपको बताऊं कि करीबन 3 डिवीजन लगातार इस इलाके में लगा दी गई है, एक और डिवीजन के बाद मूव करने की बात कही जा रही है। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल पूरी तरीके से अब ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार है, और यही वजह है कि पहला मकसद जो जिस तरीके के ऑपरेशन उन्होंने गाजा में किए थे जैसा आपने बताया, वैसे ही ऑपरेशन अब वो लेबनन के अंदर, साउथ लेबनन के अंदर करने जा रहे हैं, जिनका मकसद है सबसे पहले इनके कम्युनिकेशन टावर्स को, इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को बर्बाद करना, उसके बाद दूसरा फेज जो आया वो था इनके बड़े कमांडर्स को न्यूट्रलाइज करना, तीसरा ये होगा कि जो इनके बड़े पोजीशंस है, जो सबसे स्ट्रांग होल्ड्स हैं हिजबुल्ला के, उनको बर्बाद करना, और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस के लिए मुनाफे जब समय मिल जाए तो फिर उनको मूव करना, और अभी तीसरे फेज में लगातार इनका ऑपरेशन चल रहा है। तो निश्चित तौर पर यह उसी स्ट्रेटजीज पर इजराइल काम कर रहा है जो उसने हमास के खिलाफ खासतौर पर गाजा में बिल्कुल स्ट्रेटजी वही नजर आ रही कि पहले हवाई हमलों का अंजाम दिया गया, मिसाइल हमलों का अंजाम दिया गया, और अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। बने रहिए सुमित आप हमारे साथ। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमलों में हिजबुल्ला के 50% हथियार गोदाम तबाह हो गए हैं, और इसके साथ ही हिजबुल्ला के 2000 ठिकाने ध्वस्त हो गए। आकलन है कि ताकत के मामले में हिजबुल्ला 20 साल पीछे चला गया है, यह दावा है। दूसरे फेज की बात की जाए, इजरायली सेना लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। दरअसल पेजर अटैक में हिज्ब के 1500 लड़ाके पहले ही घायल हो चुके हैं, और अब लगातार एयर स्ट्राइक से हिज्ब लड़ाके उत्तरी लेबनान में जाकर छिप गए। मतलब साफ है कि हिजबुल्ला दक्षिणी लेबनान में काफी कमजोर हो गया है, जो कि उसका गढ़ है। इजरायली सेना हिजबुल्ला का कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त कर चुकी है, ऐसे में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्ला कोऑर्डिनेटेड डिफेंसिव ऑपरेशन नहीं चला पाएगा इजरायल के खिलाफ। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें, इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन अभ्यास खत्म हो गया है। लेबनन पर हमले के लिए ग्राउंड ऑपरेशन का अभ्यास हुआ, ग्राउंड ऑपरेशन अभ्यास को 7वीं ब्रिगेड के जवानों ने पूरा किया है। और वहीं अमेरिका पहुंचे पीएम नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान इस बीच दिया है, हिजबुल्ला पर इसराइल का हमला जारी रहेगा, यह कहा गया है। हिजबुल्ला कमांडर को भी टारगेट करेगा इसराइल, आज यूएन को संबोधित करेंगे पीएम नेतन्याहू। और अमेरिका को अरब में ऑल आउट वॉर की आशंका है, पेंटागन चीफ का दावा है लेबनन इसराइल में ऑल आउट वॉर संभव है। अमेरिका कूटनीतिक हल निकालने पर भी जोर दे रहा है। तो देखिए अमेरिका कह रहा है कि कूटनीतिक हल निकालेगा, पेंटागन चीफ का दावा है कि लेबनन इसराइल में ऑल आउट वॉर संभव है। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए, सुमित इसकी संभावना कितनी लगती है कि अमेरिका मेडिएटर की भूमिका निभाएगा? देखिए अमेरिका तो ये भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन अमेरिका बहुत शार्पली, बहुत स्मार्टली अगर आप देखें पूरे वॉर के अंदर बार बार ये कहता है कि वो मध्यस्थता करना चाहता, बातचीत करना चाहता है, लेकिन उल्टा वो इसराइल को पूरा सपोर्ट भी कर रहा है, इसराइल के लिए शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, इसराइल को लगातार वो साजो सामान दे रहा है जिससे इसराइल ने गाजा के अंदर ऑपरेशन लगभग अपने 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 हाथ में ले लिया, कंप्लीशन पर है, और अब वो हिजबुल्ला के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अमेरिका की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है कि वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन पूरी कोशिश में है कि जब तक बातचीत का दौर खत्म हो, जब तक बातचीत पर दोनों की रजामंदी हो, तब तक इसराइल अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट कर ले, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर ले, अचीव कर ले जो वो उस जंग में या फिर आप कह सकते हैं कि ऑपरेशंस में लेकर चला था।
शुक्रिया आपका सुमित चौधरी इस पूरी जानकारी के लिए। यहां पर हिंदुओं की आस्था पर कट्टरपंथियों के सीरियल हमले काफी चिंता का विषय बन गए। 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इन नए हमलों के बाद वहां पर रहने वाले हिंदू ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वो इन 9 दिनों में पूरी आजादी के साथ देवी दुर्गा की भक्ति कर पाएंगे। पहली घटना मैमन सिंह जिले की है, यहां पर रात के अंधेरे में एक हिंदू मंदिर पर हमला होता है, ये देखिए आप। दूसरी घटना ढाका की है, यहां पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने रैली निकालकर पार्क में दुर्गा पूजा के पंडालों को ना लगाने की धमकी दी और रैली की तस्वीर आप देखें। और तीसरी घटना में हिंदुओं की आस्था से वसूली वाली धमकी है, जिसमें खुलेआम दुर्गा पूजा करने के लिए 5 लाख टका कट्टरपंथी टैक्स मांगा गया। और अब आप पहली तस्वीर देखिए, बुधवार रात ढाका से बताया जा रहा है 111 किलोमीटर दूर मेमन सिंह जिले के गोविंदबाड़ी मंदिर में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला बोला था। यहाँ नवरात्र पर पंडालों में रखी जाने वाली माँ दुर्गा की प्रतिमा को तोड़कर खंडित कर दिया। माँ दुर्गा के साथ साथ यहाँ स्थापित होने वाले दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़ा गया। और हैरानी है कि आस्था पर हुए इस हमले के बावजूद अंतरिम सरकार की ओर से हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाने वाला एक भी बयान सामने नहीं आया। अब बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार का तीसरा चैप्टर देखिए। आप जो लेटर इस वक्त देख रहे हैं, ये असल में हिंदुओं को धमकी भरा फरमान है, जिसमें कट्टरपंथ वाली टैक्स वसूली का पूरा इंतजाम किया गया है। बांग्लादेशी अंग्रेजी दैनिक डेली स्टार के अनुसार इसमें लिखा है कि दुर्गा पूजा मनाने के लिए 4200 अमेरिकी डॉलर यानी कि 5 लाख टका देना होगा। इस हुक्म की नाफरमानी की गई तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे और जो भी आदेश नहीं मानेगा उसे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। बांग्लादेश में कई दुर्गा पूजा उत्सव समितियों को ऐसे गुमनाम पत्र भेजे जा रहे हैं और लेटर मिलने के बाद से इन समितियों से जुड़े हिंदू लोग डरे सहमे हुए हैं। और अगली खबर आपको दिखा रहे हैं अजमेर दरगाह से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आप देखिए अजमेर दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर याचिका पर ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने किरण रिजिजू से कई सवाल भी पूछे हैं। ओवैसी ने पूछा इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का क्या रुख है। तो ये देखिए असदुद्दीन ओवैसी का एक्स पर वो पोस्ट जिसमें अजमेर दरगाह को लेकर जो मंदिर का दावा किया गया इसकी याचिका पर ओवैसी भड़के हुए हैं और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का रुख किया है और पूछा है कि आखिर वो क्या सोचते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है। अजमेर दरगाह में मंदिर का दावा, असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं इस पर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ अब मुकदमा चल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि ये एक मंदिर है। ओवैसी ने कहा है कि ख्वाजा चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। दरगाह यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली धार्मिक जगहों में से एक है। उन्होंने दरगाह को मंदिर बताने पर किरण रिजिजू से सवाल किया है कि इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का क्या रुख है। ओवैसी ने पूछा कि क्या आप 1955 के दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन करेंगे। आपने ओवैसी की तरफ से क्या कहा गया आपने देखा। अब आप पूरे मामले को जरा समझ लीजिए। अजमेर दरगाह विवाद क्या है, कोर्ट में हुआ क्या है, पूरी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। अब देखिए कोर्ट में अभी तक क्या हुआ है। दरगाह को शिव मंदिर घोषित करने की जो मांग है वो खारिज की गई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। पूरी डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट ने मामले को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है। किसकी याचिका थी यह आप जानिए। याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से इस याचिका को दायर किया गया था, जो मंदिर का दावा था संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। इस याचिका में यह मांग रखी गई थी। पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। मांग यह भी रखी गई थी हिंदुओं को पूजा का जो अधिकार है वो वहां पर मिलना चाहिए। ASI को बाकायदा वैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है उसका निर्देश दिया जाए, साइंटिफिक सर्वे यहां पर भी करवाया जाए। जिस अधिनियम के तहत दरगाह संचालित है वो अमान्य घोषित होनी चाहिए। अब दावा क्या था, दरगाह मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई है, इस बात का जो दावा है वो इस याचिका में किया गया था। ध्वज और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। ध्वज, कोर्ट में क्या हुआ इस पूरे मामले में, याचिका क्या लगाई गई, ये सब कुछ हमने बताया। लेकिन ये मामला क्योंकि जो पोस्ट किया गया एक्सपायर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से और जो सवाल पूछा गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय से, मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए निश्चित तौर पर जो अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो एक आस्था का केंद्र है, मुसलमानों जो कि मुस्लिम समाज है उनकी आस्था का केंद्र है। और अभी कुछ दिनों पहले एक याचिका लगाई गई थी हिंदू सेना की तरफ से, इससे पहले भी कई बार जो है इस तरीके के जो बयान सामने आए हैं, इस तरीके की बातें सामने आई हैं, जैसे कि ढाई दिन के झोंपड़े में स्वास्तिक के निशान बने हुए हैं और उस वक्त की जो पुरानी जो लिपि है उसके हिसाब से वहां पर कुछ लिखा हुआ है। तो इनका दावा ये है हिंदू सेना का कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां जब एंट्री गेट है तो वहां शिव जी की छवि है और ये शिव जी के मंदिर के बेसमेंट के ऊपर बनी हुई दरगाह बताई जा रही है। एएसआई के सर्वे की बात की जा रही है, मांग की जा रही है, हालांकि निचली कोर्ट ने इसको अपना अधिकार क्षेत्र नहीं बताते हुए इसे खारिज कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि डीजे कोर्ट में आप जाइए, डीजे कोर्ट में अपनी याचिका लगाइए। तो बड़ी मांग और बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी इसमें जो है, बिल्कुल कोर्ट की तरफ से अभी फिलहाल इसको खारिज कर दिया गया है और जो मंदिर का दावा है इसको लेकर अज़दीन ओवैसी की तरफ से भी बयान सामने आया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर जो आ रही है वो ईडी के एक्शन से जुड़ी हुई है। यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर फाजलपुरिया पर ईडी की कार्रवाई, दोनों की 52 लाख की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। जांच एजेंसी ने संपत्ति यूपी हरियाणा में अटैच की है। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है एल्विश यादव पर और सिंगर फाजलपुरिया पर कार्रवाई हुई ईडी की? बिल्कुल, देखिए जो यूट्यूबर एल्विश यादव और हरियाणा के सिंगर राहुल यादव और साजन प्रिया है और साथ ही एक कंपनी है मैसर स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों की तकरीबन 52,49,000 की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की गई है। ये जो प्रॉपर्टी है दरअसल हरियाणा के उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंदर मौजूद है, एग्रीकल्चर लैंड है और इनके ऊपर आरोप है कि दरअसल इन्होंने जो विलुप्त प्रजाति के जो सांप है उनका इस्तेमाल किया अपने वीडियोस के अंदर और उन वीडियोस को प्रमोट किया स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट कंपनी ने और उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया और उनसे जो अपराध से अर्जित आई थी उनसे ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। तो फिलहाल इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। इसके अलावा जांच एजेंसी का कहना है कि आने वाले वक्त में, ठीक है, यानी कुल मिलाकर एल्विश यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है ईडी की बड़ी कार्रवाई एल्विश यादव और उसके एक सहयोगी के खिलाफ।